भात बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से हो? पढ़ाई हो रही है बच्चों? तो चलिए, आज की हमारी कक्षा है व्याकरण की, और आज हम व्याकरण में पाठ पांच पढ़ेंगे। चलो बच्चों, आज हम पाठ पांच में क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको सिखाती हूँ। चलो रवि, खड़े हो जाओ। तुमने आज हिंदी की पुस्तक लाई? सुषमा, तुम भी खड़े हो जाओ। तुमने आज क्या टमाटर खाया? राधा, तुम खड़े हो जाओ। क्या तुम ताजमहल देखी हो? और कौन है? प्रखर, चलो खड़े हो जाओ। तुम्हारी मम्मी बहुत सुंदर है। तो बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम आज पढ़ाने के बदले ये सब क्या बोल रही हैं? तो बच्चों, मैंने जिन्हें भी उठाया है सबके नाम लेकर उठाया ना बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, हम बिना नाम के किसे बुलाते हैं? बिना ऐसी कोई चीज बताओ जिसका कोई नाम नहीं। ऐसी कोई चीज है जिसका कोई नाम नहीं है? बताओ, सोचो और बताओ। ऐसी कोई चीज है? मैं भी सोचती हूँ। ये क्या है? तो ये मार्कर है, इसका भी नाम है जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। ये क्या है? तो किताब यानी पुस्तक है, इसका भी हम लोग नाम है। जब हम लोग बैट बॉल खेलते हैं तो उसका भी नाम लेके खेलते हैं। हम किसी को बुलाते हैं तो उसका भी नाम लेते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह का नाम लेते हैं। जब हम खुश होते हैं तो दूसरे बोलते आज बहुत खुश हो, है ना, बहुत सुंदर हो। तो ये सब बच्चों क्या है? नाम शब्द है। तो आज हम अपने पाठ में नाम शब्द के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? नाम शब्द के बारे में। तो नाम शब्द हर का नाम होता, हर चीज का अपना अपना नाम होता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, पशु पक्षी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या भाव। भाव मतलब होता है फीलिंग्स, हम जो महसूस कर सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, जैसे खुशी, उदासी। हम जब बहुत खुश होते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो उदासी महसूस करते हैं, उदास हो जाते हैं तो दुखी महसूस करते हैं। तो उसको हम लोग मन के भाव बोलते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं उसको भाव बोलते हैं। तो आज हम इस पाठ में इन्हीं नाम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मैंने जिन बच्चों को खड़े किए सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और व्याकरण लतिका पुस्तक निकालेंगे, जो पृष्ठ संख्या 14 निकालेंगे, 14 यानी कि 14। तो आज हम नाम शब्द यानी कि संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पाठ पांच संज्ञा लिखा है। संज्ञा मतलब होता है नाम वाले शब्द। जितने भी नाम वाले शब्द है बच्चों, वो संज्ञा के अंदर आते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी, वस्तु का नाम हो, चीज, पशु पक्षी का नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, या हम जो महसूस करते हैं उसका नाम हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मैं इस पाठ का पाठ वाचन करूंगी। ठीक है बच्चों, तो आपने मैंने अभी कक्षा को शुरू करने से पहले मैंने सबके नाम लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले पाठ वाचन करेंगे, उसके बाद मैं इस पाठ को समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए, पृष्ठ संख्या 14 में एक चित्र दी हुई है, एक पेड़ का चित्र दिया हुआ, जिसमें किसका पेड़ दिया बच्चों? इस पेड़ पर क्या लगे हुए हैं? किसका पेड़ है ये? आम का पेड़ है। अभी गर्मी का मौसम आ गया ना बच्चों, तो आम खाने में मजा आता है ना। तो चलो बच्चों, हाथ उठाओ, किसे किसे आम अच्छा लगता है? मुझे तो आम बहुत पसंद है, लेकिन कच्चे नहीं, हरे वाले नहीं, पीले जो पक जाते हैं, जो रसदार होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा फेवरेट है, मेरा पसंदीदा फल आम है। चलो बच्चों, हाथ उठाओ, किसका किसका पसंदीदा फल आम है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत लोग आम पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस चित्र के बारे में पढ़े। इस चित्र में आम दिया हुआ, आम का नाम लिखा हुआ है, एक चिड़िया बैठी है जिसका नाम तोता है। ठीक है, एक और चिड़िया है, घर है, घर का
पेड़ है, पेड़ का चित्र है। ठीक है बच्चों, तो ये सब नाम वाले शब्द है। पेड़ को हम लोग पेड़ बोलते हैं, आम का फल का नाम है उस फल के नाम से जानते हैं, तोता है तो तोता हरे रंग का होता है, उसकी चोंच लाल होती है तो हम उसे तोते के नाम से जानते हैं। चिड़िया चींची करती है, इसके नाम भी होते हैं गौरैया। ठीक है, घर, घर हम लोग कहते हैं जिस घर में हम लोग रहते हैं उसे घर के नाम से जानते हैं। कैसे कहेंगे कि हम लोग वहां रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग घर पे रहते हैं, हम लोग नाम लेते हैं ना, हम लोग घर में रहते हैं। पेड़, पेड़ पे फल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चित्र में कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, इन सबके अपने अपने नाम, मैंने अभी नाम बताया ना बच्चों, हम इन्हें इनके नामों से पहचानते। अगर आपको कोई बुलाओ, ए लड़की इधर आओ, ए बच्चा इधर आओ, तो आपको अच्छा लगेगा बच्चों? नहीं। अगर मैं बुलाऊंगी कि रवि बेटा इधर आओ, राधा बेटी इधर आओ, आशा इधर आओ, तो मैं अगर नाम से बुलाऊंगी तो आपको समझ में आएगा बेटा मैं किसे बुला रही, आपको अच्छा लगेगा ना, मैम मुझे नाम से बुला रही है। उसी तरह जैसे आम, पेड़, घर, चिड़िया, तोता, इसी तरह से। तो संज्ञा किसे कहते बच्चों? नाम वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? पहले लिखेंगे इसके बारे में, नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया ना बच्चों, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, जैसे मैंने अभी सबके नाम बुलाया, बुलाया ना, तो हम अपने दादा को दादा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रवि हो गया, मोहन हो गया, चलिए बच्चों मैं अपना भी नाम लिखती हूँ, शालिनी हो गया, मेरा नाम शालिनी है तो शालिनी हो गया, आदि, आदि नाम नहीं है बच्चों, इटीसी हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा, इसके और से भी और भी अलग से नाम हो सकते हैं बहुत सारे, तो मैं सबके नाम नहीं लिख रही, कुछ नाम उदाहरण के लिए दे रही। दूसरा है आपका वस्तुओं के नाम, वस्तुओं मतलब होता है चीजों के नाम, वस्तुओं के नाम, जैसे पंखा, सबका अपना अपना नाम है, आप ये थोड़ी ना बोलोगे बच्चों एक ऐसा मशीन होता है जिसमें तीन पत्ती लगी रहती है ऐसे गोल 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 घूमता, ऐसे तो नहीं बोलोगे, जिससे हवा लगती है तो उसका एक नाम होता है, तो हम लोग उसे क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से? पंखा, तो हम उसे बोलेंगे पंखा। कुर्सी, जिसपे हम लोग बैठते हैं उसे कुर्सी के नाम से जानते हैं। मेज, मेज यानी टेबल। ठीक है बच्चों, और बताइए कुछ हो सकता है, बताइए बताइए। बैग, वेरी गुड, आदि यानी कि और भी वस्तुओं के नाम। अब चलते हैं स्थानों के नाम, यानी जगहों के नाम, स्थानों को बोलते हैं जगह, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम पे हम लोग बोल सकते हैं बेटा स्कूल स्थान है, पार्क, दिल्ली, पटना आदि। ये हो गया बच्चों। अब है भाव के नाम, भाव के नाम, मैंने बताया ना जो हम लोग महसूस कर सकते हैं उसे भाव कहते हैं, जैसे खुशी, हम लोग जब खुश होते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, जब आपको कोई गिफ्ट देता है और आपकी कोई तारीफ करता है, जब अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको शाबाशी देना, वाह वाह, तो आपको बहुत खुशी होती है, और जब आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो या बात नहीं सुनते तो मम्मी डांटती है ना, तो डांटती तो हम उदास हो जाते हैं, तो वो हमारे मन के भाव यानी हमारे फीलिंग्स होते हैं जो हम महसूस करते हैं, खुशी, उदासी, सुंदरता, बुढ़ापा। हम कैसे पहचानेंगे कि वो बूढ़े हैं, उनके स्थिति को देखे, किसी बूढ़े आदमी को देखकर पता चलता है ना कि वो बूढ़े हैं, किसी के किसी को देखने में पता चलता है ना बच्चे वो कितनी सुंदर है, उसको देख के इतना अच्छा लगता है, हम लोग तारीफ करते हैं, हर सुंदर चीज की तारीफ करते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, स्थान हो आदि। ठीक है, इसमें पशु पक्षियों के नाम भी आते हैं, पशु पक्षी के नाम, जैसे शेर, तोता,
संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले जितने भी शब्द हैं उसे संज्ञा कहते हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं, जिसमें व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम भी हो सकता है, स्थान यानी जगह का नाम भी हो सकता है, भाव के नाम जो हमें महसूस कर सकते हैं, पशु पक्षियों के नाम भी हो सकते हैं। तो ये हम संज्ञा कहलाती है, ये सब मिलकर संज्ञा कहलाते हैं, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और पशु पक्षी के नाम होते हैं। जितने भी नाम है वो संज्ञा कहलाते हैं। तो ये हम समझे कि संज्ञा क्या कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसे मिटा देती हूँ, अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम जान गए कि संज्ञा नाम में वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, ठीक है बच्चों, भाव के नाम भी आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी सही से परिभाषा जानते हैं। ये बच्चों कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने हेतु आपको है। परिभाषा मतलब इसका किसे कहते हैं, ये तो नाम वाले शब्द हैं, सब मिला के जो मैंने व्यक्ति वस्तु इसको मिला के कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। है ना बच्चों, प्राणी भी आ गया, व्यक्ति भी आ गया, वस्तु भी आ गया, स्थान भी आ गया, भाव आ गया। तो ये हम कैसे कहेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, नाम वाले शब्द भी कह सकते हैं, नाम वाले शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। और सही तरीके में इसके इससे हम परिभाषित करेंगे किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें सब पता चल जाएगा कि हम इसमें किस किस का नाम सम्मिलित किए हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद के बारे में। अब बताओ नीता किसके अंतर्गत आता बच्चों, व्यक्ति के नाम के आगे वस्तु के नाम होते हैं, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, या मन का नाम है, या भाव के नाम है, बताओ बताओ। शालिनी हम अपना नाम बताते हैं, तो किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है। ताजमहल, ताजमहल क्या नाम है, ताजमहल बताओ बच्चों क्या है, ताजमहल हम लोग देखने जाते हैं ना, स्थान का नाम है। उसके बाद पार्क, स्थान का नाम है। कंप्यूटर, आप लोग कंप्यूटर अच्छे चलाते हैं ना बच्चों, आजकल सारे काम पढ़ाई कंप्यूटर पे हो रहे हैं, लैपटॉप पे हो रहे हैं, तो वो क्या है, वस्तु के नाम है। और वो बहुत सुंदर, उसकी सुंदरता बहुत है, वो बहुत सुंदर है, वो आज बहुत खुश है, ये हम महसूस कर सकते हैं, ये हमारे मन के भाव के नाम है। ठीक है बच्चों, तब हम आते हैं अब संज्ञा के भेद के बारे में। चलिए हमने ये अभी तक पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। तो संज्ञा के भेद बच्चों, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें सिर्फ उसका नाम हो, विशेष नाम हो, जिससे पता चले कि वो उसका नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, मैं अभी आपको समझाऊंगी बच्चों, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, भाव संज्ञा। तो चलिए बच्चों अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष नाम, तो हम अगर नाम लेते हैं सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर सब इसे जानते हैं, ये कौन है, एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, बहुत नामी व्यक्ति है। तो ये एक विशेष नाम है जिसे हम जानते हैं, नाम से संबोधित करते हैं, विशेष नाम। अब हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार के नाम इसमें शामिल होते हैं जिसे हम नाम से संबोधित नहीं करते हैं, जैसे नदी, नदी, तो नदी में हम किसी नदी का विशेष नाम नहीं लिए हैं, नाम तो नहीं लिए है कि नदियों के नाम होते हैं ना बेटा, गंगा, यमुना, ये नदियों के नाम है, यहाँ सिर्फ
नदी है, यहाँ पर किसी नदी का, एक विशेष नदी का नाम नहीं है। जहाँ पर हम नाम नहीं लिखेंगे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे नदी, गांव, जिसका अपना कोई विशेष नाम नहीं, गांव, पहाड़, बच्चे, बच्चे में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, पूरा समूह यानी पूरा ग्रुप आ जाता है, पूरा समूह यानी एक साथ पूरा एक ही नाम के पूरा समूह आ जाता है। गांव बहुत सारे गांव, पहाड़ बहुत सारे पहाड़, बच्चे बहुत सारे बच्चे, किसी नाम नहीं है। तो जिसका नाम नहीं विशेष है और बहुत सारे समूह के होते उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में हम कहेंगे जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे जिसे हम देखकर, जिसे हम देखकर उसकी दशा यानी उसकी स्थिति के बारे में पहचान सकते हैं। जैसे हो गया बुढ़ापा, पुराना, मित्रता, ठीक है बच्चों, आदि। तो बच्चों यहाँ पर बुढ़ापा, किसी बूढ़े आदमी को देखकर हम लोग कह सकते हैं ना उसका बुढ़ापा आ गया, वो बूढ़ा हो गया। पुराना, किसी चीज को अगर आपके कपड़े बहुत पुराने हो गए बच्चों, तो आप पहनते हो, आप बोलते हो ना अपनी मम्मा से, नहीं मैं पुराना कपड़ा नहीं पहनती। किसी चीज की दशा उसके बारे में देखकर पता चल जाता है कि उसकी दशा कैसी, पुरानी है कि नई है, ठीक है। मित्रता, आप दो दोस्त को, दो मित्र को खेलते देखते हो, हमेशा सब काम साथ में करते हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। आप लोग एक दूसरे की मदद करते हो ना बच्चों, वेरी गुड। जो एक दूसरे की मदद करते हैं, हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग एक, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो वो मित्रता कहलाती है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। तो हमने कितने बच्चों संज्ञा के भेद के बारे में जाना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम को हम लोग सम्मिलित करते हैं, विशेष नाम से जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा में पूरे समूह को जानते हैं, जैसे नदी, गांव, पहाड़, पूरा, जिसका कोई विशेष नाम नहीं हो। और भाववाचक में जो महसूस, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि वो किसकी, वो उसकी दशा यानी उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका संज्ञा और उसके भेद। तो चलिए बच्चों, आज हम पाठ वाचन तो कर लिए बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 15 करते हैं, पुस्तक कार्य करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर अलग लिखें, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ लिखती हूँ पहला पृष्ठ संख्या 15, ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप उसको संज्ञा शब्द में से छांट कर लिखेंगे। जैसे बच्चा गुब्बारे से खेलता है, तो बताइए बच्चों उसमें कौन कौन सा संज्ञा शब्द है। तो पहला है गुब्बारा, जिसका नाम है, गुब्बारा किसमें आएगा बच्चों, और बच्चे, संज्ञा। इसमें से आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। ख, अब देखिए, कल मयंक फिल्म देखने गया, तो इसमें कौन कौन सा है, मयंक नाम है व्यक्तिवाचक, उसके बाद है फिल्म, कौन सा फिल्म गया, विशेष नाम नहीं यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। अब बताओ, दादाजी को दूध अच्छा लगता है, तो इसमें कौन कौन सा संज्ञा शब्द है बच्चों, दादाजी, दूध अच्छा, अच्छा बुरा खराब, ये हमारे मन का भाव है, तो ये हमारे संज्ञा शब्द हो गए, ठीक है बच्चों। अच्छाई, अच्छा से अच्छाई, ठीक है बच्चों। चौथा शब्द है, चौथा प्रश्न है, ताजमहल यमुना के किनारे, ताजमहल नाम शब्द है, फिर यमुना नाम शब्द है। पांचवा प्रश्न है, हम दिवाली पर रंगोली बनाते हैं, दीपावली है ना बच्चों, त्योहार का नाम है ना, सब मजे से मस्ती से मनाते हैं दीपावली। दीपावली में हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पूजा करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे जलाते हैं और रंगोली बनाते हैं, रंगों से रंगोली बनाते हैं, सुंदर सुंदर उसमें आकार बनाते हैं। तो ये आपके नाम शब्द। दूसरा शब्द है बच्चों, एक पोटली दी हुई है, उस पोटली में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको संज्ञा के भेद के अनुसार उस पोटली में से शब्द चुनकर लिखना। जैसे अशोक, हंसी, पंख, कुर्सी,
मधुरता, पशु, कोलकाता, सुंदरता, दिल्ली। यहाँ पर है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। बच्चों मैं एक एक उदाहरण से समझा देती हूँ, बाकी आप अपने खुद से करोगे इस पुस्तक में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम शब्द आते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? अशोक नाम शब्द है, बाकी जो आप खुद से करेंगे। जातिवाचक संज्ञा में जिसका कोई विशेष नाम नहीं है लेकिन समूह में होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पशु। पशु में नाम नहीं है, किस पशु का नाम लिया जा रहा है। और भाववाचक संज्ञा में हम लोग करेंगे हंसी, खुशी, ये सब होता है बच्चों। तो मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझा दिया, बाकी आप खुद स्वयं करेंगे पुस्तक में। प्रश्न 3, इस वर्ग पहली से भारतीय शहरों के नाम ढूंढकर लिखें। हम लोग इस भारत देश में रहते हैं ना बच्चों, बहुत सारे हम लोग के शहर है ना, तो इस वर्ग पहली में, वर्ग पहली बनाने में बहुत मजा आता है बच्चों। तो इसमें कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं, आप उनको करोगे। जैसे मैं बताती हूँ, एक उदाहरण देके मैं बताती हूँ बच्चों। जैसे रहिए और साथ साथ पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।